Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कॉर्पोरेशन यही है? जी हाँ यही है। तो फिर बाहर साइन बोर्ड क्यों नहीं लगा? प्रिंटर अभी लाया नहीं। हाँ साहब आप लोग अंदर जाइए, साहब आप लोग का इंतजार करता है। साहब इंतजार कर रहे हैं। मालूम होता है सूट के साथ किस्मत भी बदल गई है। आओ। आओ आओ बड़ी आओ सेठ जी। सेठ तो आप हैं सेठ जी, हम कहाँ। आप लोग भी बड़े जाली मालूम होते हैं। बैठो नहीं भाई बैठो। आप भी बैठिए ना। हम भी बैठते हैं। थैंक यू भाई थैंक यू। सेठ जी आप पहले आदमी हैं जिन्होंने हमें पहचाना। अरे हम नहीं पहचानेगा तो बड़ी क्या हमारा बाप पहचानेगा। अरे बड़ी हमारी नजर भी बड़ी तेज है सेठ जी। वो तो मालूम हो रहा है सेठ जी। अच्छा तो अब हम की बात हो जाए। अरे काम की बात पिछू करना नहीं सेठ। अरे पहले चाय पियो नहीं तो भाई। ये सब तकलीफ आपने क्यों की सेठ जी? चाय तो हम अभी पी कर आए थे। अरे भाई और पियो नहीं। कमाल है सेठ, अगर सारे मालिक आपकी तरह हो जाए तो कोई नौकर स्ट्राइक नहीं करेगा। बड़ी क्या मतलब? यही कि आप जैसे दयालु मालिक हो तो हम जैसे नौकरों को हड़ताल करने की जरूरत नहीं। क्या कहा नौकर? अरे हम कहता है चार रख दो। अरे बढ़िया रखो नहीं। क्या हुआ सेठ जी? अरे हम कहता है चार रख दो, चार रखो, बिस्कुट भी। तुम्हारे बाप का माल है क्या सेठ जी? अरे चुप सेठ का बच्चा, तुम हमको धोखा दिया। अरे हम समझा तुम फाइनेंसर है। सेठ जी हमें भी धोखा हुआ, हम तो तुम्हें वाकई सेठ समझे थे, लेकिन क्या मालूम था कि तुम हमसे भी ज्यादा करके हो। एक तो हमारा चाय पी गया, बिस्किट खा गया, ऊपर से हमको करका बोलता है। इडियट कहेगा, कभी दादर में इंगोर में आएगा तो तुमको देखेगा। अरे बड़ी तुम क्या मुंह खोल देता है, अपना काम करो नहीं, काम करो। ऊपर से बड़ी पैसा मांगेगा। Thank you.
मालूम होता है ये सूट इसका है। मुझे भी ऐसे लगता है। चलो आहिस्ता से यहां से निकल जाए। ठीक है। पीछा करते हुए देख लिया था और छुपकर आपकी गाड़ी में बैठ गया। कोई गुस्सा तो नहीं थी ना? नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? आपने तो मुझ पर वो एहसान किया जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। लेकिन ये गुंडे आपका पीछा क्यों कर रहे हैं? मेरे डैडी एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं और वो एक अहम फार्मूले पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है वो गुंडे फार्मूले के पीछे पड़े हुए। ओ, तब तो आपको पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। तुम बिल्कुल माफ करना मत भैया, मुझे मालूम नहीं था कि जेब फटी हुई और कुछ हो। ठीक है, कोई बात नहीं। नमस्कार। नमस्कार। आइए, मैं आपको एक कष्ट देना चाहता हूँ। कहिए आपको। जी मैं एक अनाथ, तो सुनिए, हम आज रात्रि अपने अनाथ आश्रम की सहायता के लिए दंगल करवा रहे हैं और मैं टिकाए बेचने आपकी सेवा में आया हूँ। आपका मैं टिकट बेचने आया। जी हाँ जी हाँ, ये लीजिए 2 प्रवेश पत्र और 10 रुपए।
सिर्फ 10 रुपए। महाशय जी आप ये बताइए कि आपको आश्रम के लिए कुल कितने? 2,500 रुपया हो गया तो बहुत हो गया। ऐसा करिए ये 2 टिक्के इसमें दे जाइए जी, हम शाम को और जितने रुपए हम पड़े हम वहीं दे देंगे। आज भी सामने ऐसे ऐसे महान पुरुष मौजूद है भगवान, ये तेरी ही लीला है और भगवान इनकी सहायता तेरी जिम्मे है। ये लीजिए 2 प्रवेश पत्रिकाएं और महाराज जंगल ही में दर्शन होंगे। राम राम की लूट है, लूटी जाए तो लूट, अब दुकान बता रहे। चलो ये भी ठीक हुआ अमर, अब इन टिकटों को आधे दाम से बेच के खाना खाते हैं। नहीं आज हम कुश्ती देखेंगे। हाँ भूखे पेट से? अरे तुम्हें नहीं मालूम डब्बू पहलवान कहा करते थे कि भूखे पेट कुश्ती देखने का बहुत मजा आता है। वारे डब्बू पहलवान तेरा जवाब नहीं है। Thank you.
दिया कार्य ने, कोई बात नहीं जाएगा, बहुत अच्छे। चलो छोड़ो आप चले, 500 रुपए तो मिल गए। अरे क्या बात कर रहे हो पागल हो गए, अब तो 2000 मिलेंगे पूरी फाइव। नहीं 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 अपने चलिए सलामत रहा लेकिन टांग की हालत खराब है। अरे जीवन देखो तो कितने पैसे बचे हैं, सुबह माता जी को मनी ऑर्डर करेंगे। और हाँ ठीक है, मालूम है कि मैं एक बहुत अहम फॉर्मूले पर काम कर रहा हूं। अच्छा सत्य, मैं जाती हूं। सुनो, तुम तो खान खान नाराज हो जाती हो, कहो क्या बात है? हाँ तो सुनिए, पहली बात ये आप जल्दी से चलकर नाश्ता कर लीजिए, और दूसरी ये मदन बाबू का फोन आया था, उन्होंने आपको किसी जरूरी काम से बुलाया। बस इतनी सी बात के लिए नाराज हो गई, चलो। हाँ डैडी, पहले सख्ती तो रखिए। लो आइए। आओ पहलवान, पड़ता फुटे। सक्कू भाई। सक्कू भाई नहीं, तुमकी आई। मना पैसा पाइजे। सक्कू भाई हमारा बोनस जरा लेट हो। तुमचा बोनस होनस केला खट्टा। मला पैसा पाइजे तर पाइजे। अरे आज नहीं तो कल मिलेंगे, तुम तो खाम खा परेशान हो। आओ पहलवान, कुटे पड़ते। अरे लेना देना काम बुरा है, प्यार बड़ी चीज है, खाते जाओ गाते जाओ उधार चीज है। लेना देना काम बुरा है, प्यार बड़ी चीज है, खाते जाओ गाते जाओ उधार चीज है। लेना देना काम बुरा है।
सुंदरता का मोल रे, सुंदरता का मोल रे, ऐसे हीरे ऐसे मोती कंकर से ना तोल रे, कंकर से ना तोल रे। तो लेना देना काम बुरा है, प्यार बड़ी चीज है, खाते जाओ गाते जाओ उधार चीज है, लेना देना काम बुरा है। सुनो भाई साधो धन की झूठी दात रे, धन की झूठी दात रे, अभी तुम्हारे पास है बाबा, अभी हमारे पास रे, अभी हमारे पास रे। लेना देना काम बुरा है, प्यार बड़ी चीज है, खाते जाओ गाते जाओ उधार चीज है, लेना देना काम बुरा है। दौलत है दो पल का साया, सबसे बड़ा ईमान है, सबसे बड़ा आन है। लेना देना काम बुरा है, प्यार बड़ी चीज है, खाते जाओ गाते जाओ उधार चीज है, प्यार बड़ी चीज है, उधार बड़ी चीज है, प्यार बड़ी चीज है, उधार बड़ी चीज है, प्यार बड़ी चीज है, उधार बड़ी चीज है, प्यार बड़ी चीज है, उधार। लगता है बेचारी की कार का टायर पंक्चर हो गया, तो हम क्या करें? उसकी मदद करनी चाहिए, लिफ्ट मिल जाएगी। लिफ्ट के लिए इतनी मेहनत कौन करता है, बस अभी आ जाएगी। अरे बगैर मेहनत के फल नहीं मिलता, आओ चले। हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं मिस? ओह थैंक यू, मैं तो बहुत परेशान थी। गाड़ी में जैक वगैरह है? हाँ, सब डिक्की में पड़ा है। लाइए चाबी। थैंक यू। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी हटा देता हूँ। जीवन तुम व्हील चेंज कर दो। ठीक है।
आ जाओ अमर। देखा सबको धंधे पे लगा। कहाँ जाना है आपको? मैं छोड़ देती हूँ। हमें स्टेडियम पे जाना है। अरे मैं भी वहीं जा रही हूँ। आपको किससे मिलना है? हम वहाँ नौकरी की तलाश में जा रहे हैं। वेरी गुड, स्टेडियम के बॉस से मेरी अच्छी जान पहचान है। चलिए ये लीजिए। सब लोग क्या देखता है? आज तो रॉकेट के रॉकेट रॉकेट। हाँ बाबा, आज तेरे ऊपर उड़े थे हमी जी देखते पश्चिम में। आज आज ऊपर ऊपर मुझे किसी की परवाह नहीं। प्रोफेसर साहब, मैं तो आपकी भलाई की है। भगवान न करे कि इस फॉर्मूले के लिए कहीं आपकी जान। मदन, मुझे अपनी जान प्यारी नहीं, मुझे अपना देश प्यारा। जरा ये फार्मूला तैयार होने दो, फिर मैं सारी दुनिया को बता दूंगा कि हम हिंदुस्तानी भी साइंस के मामले में किसी से पीछे नहीं है। प्रोफेसर साहब, आप मेरे बुजुर्ग हैं, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारे समझाने की कोई जरूरत नहीं, जान चली जाएगी। I'm sorry, gentlemen, कोई बात नहीं। आइए। Not possible for me. Not at all. Yes, yes, yes. देखते हैं। ये है मिस्टर मदन। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। आपको ईमानदार आदमियों की जरूरत थी ना, इसलिए मैंने लिया है। मुझे सिर्फ ईमानदारी नहीं बल्कि जिम्मेदार आदमी की जरूरत है। फिर तो आपका काम बन गया। बॉस, हम बहुत जिम्मेदार आदमी हैं। बात दरअसल ये है कि हम लोग अब तक 6 जगह से निकाले गए हैं। ठीक है ना? तुम भूलते हो, 7 जगह से। हाँ, 7 जगह से। और हर आदमी ने निकालते वक्त यही कहा है कि जो कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार तुम हो। यू इडियट, गेट आउट फ्रॉम हियर। लेकिन मिस्टर मदन। यू शट अप, आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर। बस उल्टू कर। ये क्या आपका पूरा नाम है? बहुत लंबा है। और यू आउट। वेलकॉन, क्रिकेट के पुराने खिलाड़ी हैं। और कुछ? थैंक यू। अगर तुम मदन से उल्टी सीधी बातें नहीं करते तो शायद हमें नौकरी मिल जाती। अरे हमें उसके पास नौकरी करनी ही नहीं। दरअसल मुझे वो आदमी पसंद नहीं है। हाँ, मुझे भी कुछ सूरत से बदमाश मालूम हो रहा था। अरे पहला खान, पहला खान। सोचे तो आज इनके बाप से भी किराया वसूल करेगा। खेलो, तेरो तुम जिधर जाते ही बादशाह की तरह मस्त बचाए। तुम खेलो जिधर जाते हैं। अरे खान साहब, आप यहाँ कैसे आ गए? हम शैतान की मोहब्बत तुम्हारे पीछे है, निकालो किराया। खान साहब, अब तो सारा किराया एक साथ चुका दे, हमें नौकरी मिल गई। अरे तुम मलंग लो, नौकरी क्या करेगा? चलो हमारे सेठ के पास चलो। हम पर यकीन कीजिए खान साहब। लेकिन हमारा सेठ हम पर यकीन नहीं करता। वो समझता है कि तुमसे हम किराया लेके खा गई। आपको सेठ बेईमान समझता है और आप उसके पास नौकरी करते हैं? अरे लानत है आपको। सोचे क्या बकता है? इसका मतलब है कि लानत है ऐसी नौकरी पर। खान साहब, आरिफ साहब आओ, हम आपको अच्छी जगह नौकरी दिला देगा। हमसे उससे आधी खेलता है, हमारा ना पैदे खाने समझे। चलो। लेकिन खान साहब। चलो बोलते है, चलो नहीं तो तुम्हारा हमेशा ही जग उतारेगा। चलो चलो जी, ये ऐसे पीछे नहीं छोड़ेगा। चलो बोलते है, चलो। होते ये कल्लू का बच्चा किधर मर गया है? जाने दो खान से, फिर कभी मिलने। तुम चुप रहो, किधर देख तू?
तनी किट्टी ना बैठी। चुप रहो। इतनी कितना बड़ा बंगली है। आप तो खाम खाई नाराज हो रहे हैं खान साहब। दरअसल सेठ जी से हम खुद मिलना चाहते हैं। ओह, होते तुम हमको उल्लू बनाती है। खान साहब, ये काम तो अल्लाह मियाँ ने हमसे पहले ही कर दिया। होते तुम अल्लाह मियाँ को मानती है? बिल्कुल, आपको देखते ही खुदा याद आता है। अच्छा। अब तुम बैठो, हम कल्लू के बच्चे को देख के आती है। जरूर जरूर, फौरन जाइए। अरे आप लोग, आप लोग यहाँ? जी हाँ, जरा जी घबराया था तो आपसे मिलने चले आए। मैं आप लोगों के बंगले पर गई थी। हाँ समझ गया। और हमारे घर वालों ने आपके साथ अच्छा सुलूक नहीं किया होगा, आप यही कहना चाहती है ना? क्या घर वालों से आपकी अनबन है? जी हाँ, दरअसल हम लोग अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। क्या आपके घर वाले पैरों पर खड़े नहीं होते? जी नहीं, आप समझी नहीं। दरअसल बात यह है कि हम लोग मेहनत से पैसा कमाना चाहते हैं। खून पसीने की कमाई। ओह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए मैं आप लोग अपनी डैडी से मिलाती हूँ। जी नहीं, हम बहुत जल्दी में हैं, मिलेंगे। नहीं डैडी, आप लोगों से कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं। चलिए ना, अभी मिलना होगा। हाँ तो फिर चलो, ठीक है, चलिए चलिए। मैंने सब बातें आपको समझा दी है, अब फॉर्मूले के कागजात की हिफाजत आपके जिम्मे है। ये तो ठीक है प्रोफेसर साहब, लेकिन वो नौकरी वाली बात आपको बुरी लगी होगी, मैं जानता हूँ। जी नहीं, आप, मैं बेवकूफ नहीं हूँ जीवन बाबू, आदमी को फौरन पहचानता हूँ। मैंने डैडी को बता दिया है कि आप लोग काफी मालदार हैं। मीना देवी, ये आपने ठीक नहीं किया, लेकिन प्रोफेसर लोगों ने अहद किया था कि अपनी मेहनत की कमाई किसी अनाथ आश्रम को दे दिया करें। ये तो अपने काम है, क्यों बेटी? अब आप बताइए कि आप लोगों की तनख्वाह किस अनाथ आश्रम में भेज दिया करूं? ये गजब मत कीजिए प्रोफेसर साहब, दरअसल हम लोग गुप्त दान के कायल हैं। इस हाथ से देते वक्त इस हाथ को खबर तक नहीं होनी चाहिए। आप जैसे सच्चे और शरीफ आदमी दुनिया में मुश्किल से मिलेंगे। शुक्रिया। अच्छा तो अब हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते डैडी, मैं इन्हें छोड़ के आती हूं। जाओ बेटी। आप हुक्म दीजिए। कल मेरा बर्थडे है और डैडी ने पार्टी दी है, आप लोग जरूर आएंगे। अगर ये हुक्म है तो जरूर आएंगे। हुक्म नहीं, इल्तिजा है। ओचे इधर खड़े, बाकी चले घूमते हैं। चलो सेठ के पास। बिना खान, तुम इससे बात करो। कौन है ये? चाल वालों से किराया वसूल करता है। बड़ा बदतमीज है। खोचे आज बस तमीज पूछते हैं, कल तुम पड़ता था, इधर क्या आया? मालूम होता है इसने भांग पी ली है। पैदा कर, शायद तुम्हारा दिमाग चल गया है। चलो यहाँ से। हम सब चुप रहो। अच्छा अब हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते, माफ कीजिएगा। हाँ कोई बात नहीं। ड्राइवर, ड्राइवर आप लोगों को छोड़ देना। या परवरदिगार, तो भाई कौन सा जादू है इनके पास, यहाँ भी जादू चला दिया है। हैप्पी बर्थडे मीना, थैंक यू। तुम सलामत रहो हजार बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। शुक्रिया मीना, इस खुशी के मौके पर मैं तुम्हें एक शानदार तोहफा पेश करना चाहता हूँ। इसके मुकाबले का हार सारे शहर में नहीं मिलेगा। अमर, हेल्प योरसेल्फ, हेल्प। मुझे आपकी शिकायत है अमर बाबू। क्यों, क्या हुआ? आपने कुछ देर क्यों लगा दी? बेचारा आपके लिए तोहफा ढूंढ रहा होगा। जी ठीक फरमाया आपने, ये लीजिए। मुबारक। शुक्रिया।
तोहफा पसंद है आपको? आपका ही तोहफा मेरी फराक होता है। मीना जी अभी ये नेकलेस भी पहन लीजिए ना। ये नेकलेस बहुत कीमती होगा, डैडी को दे दीजिए। आइए चलिए। लेकिन हमने बैग छीन लिया। आओ मदन, मुझे तो लाइट के जाने में जरूर किसी की शरारत मालूम होती है।
मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन वो दोनों का कौन? अमर और जीवन। मैं लेबोरेटरी में जाके देखता हूँ। नहीं, आपको वहां जाना खतरनाक है, मैं जाता हूँ। मदन बाबू, आपके वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, हमने उन गुंडों को मार भगाया। कौन थे वो? उनके चेहरों पे नकाब थे, इसलिए हम उन्हें पहचान नहीं सके। प्रोफेसर साहब, ये लीजिए अपने कागजात। वाकई लोगों ने कमाल कर दिया। देखिए, अब आप इन कागजात को अपने से अलग मत कीजिए, हो सकता है दुश्मन फिर इन्हें हासिल करने की। मदन बाबू ठीक कहते हैं, अब ये पेपर साफ आप रखिएगा। अच्छा, तब मैं इजाजत चाहता हूँ। मदन, हमने चार सीटों में बॉस से बात किया है, हमें जल्द जल्द फॉर्मूला चाहिए। मिस्टर किंतान, मैंने आपसे कहा है कि फॉर्मूला बहुत जल्द आपके हाथ में होगा। Are you sure? Sure, very very sure. Hey, कौन है? I'm Rajan. I told you. Come in please, come in. ये लीजिए। शाबाश, शाबाश। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। He's a very very useful, very useful man. ये फॉर्मूला? कोई ताकत आपके फार्मूले को नहीं उड़ा सकती। ये दोनों बहुत बहादुर हैं। अच्छा बेटी, मैं तो लेबोरेटरी में कुछ काम करूंगा, तुम लंच में मेरा इंतजार मत करना, तुम लोग खाना खा लेना। अच्छा। हेलो, कौन? विमला? हाँ, पिकनिक पर पिछले हफ्ते तो गए थे। क्यों दे रही हो? मैं आती हूँ। आप लोगों को भी हमारे साथ पिकनिक पर चलना होगा। क्या ये भी हमारी नौकरी में शामिल है? ऑफ कोर्स। ठीक है सर, ये तस्लीम हम है। जो मिजाज है सेठ में आए। रेडी। बड़ा सुहाना है। क्या बात है, वैसे नजर आ रहे हैं? जी जी हाँ जी। नहीं, बात यह है मीना जी। मेरा नाम मीना है, मीना जी नहीं, मुझे मीना कहिए, सिर्फ मीना। सच मीना? मैं ये कहना चाहता था। मुझे मालूम। जी हो सुनो तो, मेरा दिल गया रे, दिल गया रे, दिल गया। जी हो सुनो तो, मुझे लगा दिल गया रे, दिल गया। जी हो सुनो तो, तेरा दिल गया रे, दिल गया। जी हो सुनो तो, मुझे लगा दिल गया रे, दिल गया। Thank you.
जियो सुनो तो मुझे मिल गया रे मिल गया रे बेगा जियो बदनाम हो हमारी कहानी खुदा करे कल पूना से एक जरूरी दस्तावेज लानी है। तुम अपने किसी आदमी को भेज दो, वो ले आएगा। दरअसल बात यह है कि मेरे पास कोई भरोसे का आदमी नहीं। आपके पास कोई हो तो बताइए। अमर और जीवन पर मुझे पूरा भरोसा है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। साहब मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन इस वक्त तो है कहां? मीना के साथ पिकनिक पर गए। लो वो आ गए। बाबा क्या मजा आ गया। हेलो डैडी। हेलो। हेलो मदन जी। हेलो 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 हेलो। क्यों मीना, कैसी रही पिकनिक? बहुत अच्छी, मजा आ गया। लेकिन ऐसा मालूम होता तुम थक गए। हाँ डैडी। जाओ तुम आराम करो। ओके बाय बाय। बाय बाय। ठीक ना, आइए बैठ बैठ। कल आप लोगों को पूना जाना होगा। मदन बाबू की एक जरूरी दस्तावेज लानी है। जी हाँ जरूर लाएंगे। मदन इन्हें तफसील से बता दो कि क्या करना होगा। अभी बताता हूँ, ऐसी जल्दी भी क्या। भैया अमर, उस रात के वाक़े से मेरी नजरों में आप लोगों की इज्जत बहुत बढ़ गई। ये तो आप लोगों की मेहरबानी है, वरना हम क्या और हमारी हस्ती क्या। मेरा ख्याल है हम 8 बजे तक बंबई पहुंच जाएंगे। हाँ पहुंचना चाहिए। प्लीज जेंटलमैन। यस। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मेहरबानी करके मुझे लिख दीजिए। जरूर जरूर, लेकिन आपकी गाड़ी का क्या होगा? मैं नजदीकी रहती हूँ, वहाँ से आदमी भेज दूंगी। ओह तो आइए पीछे बैठ जाइए। थैंक यू। रास्ते पर मोड़ लीजिए।
तरफ? जी हाँ इस तरफ। जल्दी जाना है। ऐसे भी क्या जल्दी है, चलिए ना। चलो जीवन। देखिए आप भी बैठिए ना। मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ। अमर मुझे तो ये भूत बंगला दिखाई देता है। मुझे भी कुछ ऐसा लगता है। भूल जाओ, चलो यहां से। चलो दरवाजा तो बाहर से बंद है। ये जगह खतरनाक मालूम होती है अमर भैया, हमें यहां जल्दी निकल जाना चाहिए। यहां से निकलने का कोई और रास्ता भी होगा। कुछ समझ में नहीं आता, अभी भी यहाँ था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बहुत खूब, भूत तो क्या अभी थोड़ी देर में तुम्हें चुड़ैले भी नजर आएंगे। मैं सच कह रहा हूँ, आवाजें सुनाई दे रही है, कुछ दिखाई नहीं देता। भैया मुझे तो कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ मालूम हो रहा है। अब यहाँ से अब क्या है? वालों ने सुन लिया तो सफाई के लिए आपको पकड़ कर ले जाएंगे। तो आप आ गए?
जी हाँ, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आए हैं। ये लीजिए आपकी अमानत। थैंक यू थैंक यू। आपकी तारीफ आपकी तारीफ। ओ आप इन्हें नहीं जान? जी नहीं। आप हैं मिस्टर चैंग, वर्ल्ड फेमस रेसलर मिस्टर जीवन। यस वेरी प्लीज। मीट माय फ्रेंड मिस्टर अमर। अनाबर बाय 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 बाय। गांव में सैलाब आ गया, ये पड़ी सारा गांव बर्बाद हो गया। ना जाने माताजी और मालती किस हाल में होंगे। गवर्नमेंट ने शरणार्थियों के लिए रिलीफ कैंप खोला है, वो लोग शायद वहां, वहीं चलकर देखते हैं। चलो कमर को ना देख लू, मुझसे कुछ नहीं खाया जाने का। धीरज रखो ना मालती, आखिर हम लोग इस तरह कटते पड़े रहेंगे। मेरी बात मानो, चलो चलो बंदू चल कर से तलाश करें। चलो मालती नाम की एक लड़की का नाम आपके रजिस्टर में दर्ज है। आप बैठिए। हाँ, इन दोनों का नाम रजिस्टर में दर्ज है, दोनों 22 नंबर टैंक में। चलो जी। नहीं नहीं आप रुकिए, मैं बुलवा लेता हूँ। शंकर जरा बुलवाना था। बड़ा अनर्थ हुआ है साहब, सैलाब ने गांव के गांव तबाह कर दिए। ये कौन होती है आपकी? मेरी माँ और बहन है। अच्छा हुआ भगवान ने बचा लिया। वो दोनों वहां से चले गए। आसपास के लोगों का कहना है कि वो बूढ़ी औरत अपने बेटे का बार बार नाम लेकर पुकारती थी, शायद वो लोग उसी की तलाश में गए। चलो जी। अच्छा शुक्रिया। अब ये अंधेरे
सैनिकों के हैं काफिले, मंजिल मिले ना मिले, अब ये अंधेरे। जाने दूर कब तक ये अंधेरा हो, भटकती जिंदगी में कब सवेरा हो, वो और होंगे जिनके दिलों में जीने के हैं हौसले, अब ये अंधेरे, अब ये अंधेरे साथी है मेरे, अश्कों के हैं काफिले, मंजिल मिले ना मिले, अब ये अंधेरे। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। क्यों गल्लू, उदास मालूम होते हो? जी, रात से प्रोफेसर साहब लापता है। बीबी जी बहुत परेशान थे। कहाँ है वो? जी, वो अपने कमरे में आपका इंतजार कर रहे हैं। जीवन, तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी आता हूँ। ठीक। कौन? अमर, पिताजी को गुंडे अगवा करके ले गए हैं। कब? पिछली रात जब वो शर्मा जी के घर से लौट रहे थे। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डरिए, उन बदमाशों का कोई आदमी दे गया है। उन्होंने धमकी दी है, अगर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया या फार्मूला के गलत कागजात दिए तो वो पिताजी को मार डालेंगे। मीना, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जाल किसी अपने आदमी का बिछाया हुआ है। कुछ भी हुआ, मैं हमें उन्हें ये फार्मूला दे देना चाहिए ताकि पिताजी की जान बच जाए। अगर उन्होंने फार्मूला लेने के बाद भी प्रोफेसर साहब को रिहा नहीं किया तो क्या होगा? क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। घबराओ नहीं मीना, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। La 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 la
पेशावर सिंह। चलो पापा पेशावर सिंह। नहीं बेटी, वो कागजात मत देना। नहीं डैडी, मुझे ये कागजात आपके जान से ज्यादा अजीज नहीं। हम तो बख्तावर सिंह पेशावर से। हूं उठो ही, सानू ही जल्दी जाना। आप लोग कौन है? प्रोफेसर साहब, मैं हूं अमर और यह है जीवन। अमर जीवन? ये कौन है? मैं देखता हूं। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब। आप देर से पहुंचे इंस्पेक्टर, तुमने तो भाग गए। आखिर ये सब माजरा क्या है? मैं एक अहम फार्मूले पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ये गुंडे वो फार्मूला मुझसे छीनना चाहते थे। ओ, बयान देने के लिए आप सबको पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए आइए। अगर इन गुंडों में से एक भी पुलिस के हाथ आ जाता तो ये मालूम हो जाता कि फार्मूला कौन हासिल करना चाहता है। आखिर कब तक बचेगा? एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा। अब तो हमें फार्मूला से ज्यादा प्रोफेसर साहब की हिफाजत करनी पड़ेगी। सबर से काम लो, मोनी को कोई नहीं रोक। मैंने प्रोफेसर साहब से कई बार कहा कि आप इस फार्मूले के चक्कर में न पड़ें, लेकिन उन्होंने मेरी एक न मानी। इसी फार्मूले ने उनकी जान ली। मुझे डर है कि कहीं ये मनहूस कागज के टुकड़े कोई और मुसीबत न खड़ी करते। मैंने जला ही दिया। ये आपने क्या किया मदन बाबू? इस खानदान को आने वाली मुसीबत से बचा लिया। अच्छा मीना जी, मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है। अगर मेरे लाइफ से सेवा तो खबर कर दीजिए। देखिए मुझे गैर मत समझ। गुड नाइट। ये उस फार्मूले के पेपर्स नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम? मैं उन कागजात को अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा ख्याल है मदन बाबू ने असली फार्मूला अपनी जेब में रखकर ये नकली फार्मूला आग में डाल दिया। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुम घबराओ नहीं मीना, सब ठीक हो जाएगा। चलो जीवन, चलो। बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, बहुत जल्द पूरा हो जाएगा।
You're a very clever man, Mr. Morton. Oh, thank you very much, Mr. Chang. Thank you very much. Thank you. I think it's time for meeting. I'm a foreign gentleman. Sure. Please come. आज हम मदन का पीछा करते हैं। हाँ, मालूम हो जाएगा कि वो कहाँ कहाँ जाता है। लो, डिक्की भी खुली हुई है। वो आ रहा है। चुप जाओ। मुखी आ रहा है। यस सर। तुम्हें कोई पार्सल मिला? जी हाँ, उसमें कुछ कागज पेश करना। यस सर। ABC औरत है, तुम जासूस हो, जाओ पकड़ लो। अरे क्या करते जासूस, सारा पैसा मेरे को टूट जाती। कहाँ? ओ, मैं आपके साथ लड़के को भेजती हूँ, वो वहां तक आपको पहुंचा के आएगा। किसान, ओ किसान, क्या है माँ? जरा इनको स्टेडियम तक पहुंचा के आ, अमर के पास। जी चलिए चलिए माँ। क्या बिचारी की हालत है। कल मुझे पार्टी में जाना है, नया ड्रेस चाहिए, मंगवा दीजिए ना। मंगवा दूंगा। मदन साहब, क्या बात? दो औरतें आपसे मिलना चाहती। भगा दो उन्हें, देखते मुझे फुर्सत नहीं है। मगर वो अपने आप को अमर की माँ और बहन बता रही हैं। अमर की माँ? आने दो उन्हें, मालूम होता अपनी किस्मत बदलने वाली। आइए आइए। नमस्ते। आप अमर की माँ? जी, हम लोग उसी को ढूंढ रहे हैं। आप घबराइए नहीं, जी भाई आइए आइए भाई। कहिए, मैं आपके लिए कुछ चाय मंगाऊं? जी नहीं, पहले भी। आप कुछ ठंडा पीजिए। जी नहीं, आपने अमर भैया से मिलवा दीजिए। विक्रम, इन्हें अमर बाबू के मकान पर ले जाओ। समझ गए? समझ गए। चलिए अब जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसमें शुक्रिया क्या बात, तो मेरा फर्ज। वो फॉर्मूला पूरा हो गया? अब वो फॉर्मूला पूरा नहीं होगा। तो फिर ये क्या कर रहे हैं? तुम नहीं समझ सकोगे प्रोफेसर।
मैं तुम्हें दुनिया की नजरों में मुर्दा साबित करके अपनी लेबोरेटरी में ले आया। इससे तुम्हें मेरे दबाव और मेरी ताकत का सही अंदाजा हो गया। लेकिन मैं किसी कीमत पर तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। प्रोफेसर, प्रोफेसर, अगर तुमने अपनी जिद न छोड़ी तो तुम्हारी बेटी को गोली से उड़ा दिया जाएगा। मदन जलील कमीने। सोच लो प्रोफेसर, फॉर्मूला या तुम्हारी बेटी की जिंदगी। कल तक वो फॉर्मूला तैयार हो जाना चाहिए। वेरी गुड न्यूज फॉर यू, कल तक वो फॉर्मूला पूरा हो जाए। आई मीन टुमारो दी फॉर्मूला शैल बी कंप्लीटेड। तो हम कल जा सकते हैं? जरूर, लेकिन जाने से पहले मिस्टर चैंग की आखिरी कुश्ती ब्लैक शैडो के साथ होगी, जिसकी अनाउंसमेंट मैं पेपर में करवा चुका हूं। व्हाट इज दिस फाइट? वेरी एसेंशियल। इट इज वेरी एसेंशियल मिस्टर चैंग। हिंदुस्तान छोड़ने से पहले ये आखिरी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। आई मीन बिफोर यू लीव इंडिया यू हैव गॉट टू पुट अप दिस लास्ट फाइट। अगर आप चुपके से चले गए तो लोग आप पर भी शक करेंगे और हम पर भी शक करेंगे। आई मीन इफ यू लीव क्वाइटली पीपल विल डाउट। मिस्टर मदन, आप जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं, लेकिन चांद का यहाँ रहना तरह से खाली नहीं। जैसे आप समझदार हैं, लेकिन आपकी मर्जी। इसका साथी भाग गया तो तुम छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे। याद रखो, अगर आइंदा हमारे काम में रुकावट करना चाहिए मैं तुम्हारी मां और बहन दोनों को खत्म कर दूंगा। ये धमकियां किसी और को देना, ये धमकी नहीं हकीकत है। हेलो, जरा मासी को भेजना। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है, समझे? हेलो मासी, मासी जरा अपने अमर भैया से बात करो। भैया, भैया, तू कौन सी भैया? मासी, मासी, मदन, ले जाके और बंद कर दो। अमर इस वक्त मदन की कैद में है। मदन की कैद में? हमें किसी न किसी तरह अमर को आजाद करवाना चाहिए। मैं मदन के दो तीन खुफिया अड्डों से वाकिफ हूँ। मेरा ख्याल है अमर वहीं कहीं कैद होगा। तो हमें फौरन चलना चाहिए। लेकिन इस तरह नहीं, जरा तरकीब से। यही एक हफ्ता बाकी रह गया, आओ देखें। हाँ, इधर ही खाना आया था। बेबी, हम पास्कल में घर कैसे भूल जाएगा?
अरे हम मर जाएगा फिर भी पालते हुए घर नहीं भूलेगा। मालूम होता तुम्हारी खिद्दत की है, जाओ यहाँ से। क्या बोला? वो बोलता है तुम्हारा पासपोर्ट इधर में नहीं है। हाँ हमको भी ऐसा लगता है, हमारा पासपोर्ट इधर होता तो हमारा हाथ जरूर खुलता। तुम्हारा पासपोर्ट इधर में नहीं है इसका वास्ते तुम्हारा आवाज नहीं सुनता। और तुम ठीक बोलता है बेबी, चलो अपन जाएगा, जाके आना आएगा। ये पासपोर्ट का आवाज था। बिल्ली है, बिल्ली बिल्ली है। क्या बोला? बिल्ली है पापा। चलो घर जाएगा और घर जाके खाना आएगा। ये आवाज तो पासपोर्ट का था बेटी, तुम अंदर चलो, हम तुम्हारे लिए रास्ता साफ करता है, चलो चलो। अरे क्या करता, हमारा पासपोर्ट अंदर था। आओ बेटी, बेटी दायर हो गया है, जो गैर मुल्की जासूस है। माँ और मालती भी मदन की कैद में है। क्या कहा? फिर तो हमें फौरन पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले हमें सबूत हासिल करना होगा। आज उस चीनी पहलवान चैंग और ब्लैक शैडो की आखिरी कुश्ती है, और चैंग ब्लैक शैडो को दो राउंड में नॉकआउट करके फॉर्मूला लेकर बाइक प्लेन हिंदुस्तान से भागने वाला है। फिर तो हमें किसी भी तरह चैंग को दो राउंड से ज्यादा रोकना होगा। इस तरह उसका प्लेन मिस हो जाएगा। मेरी समझ में एक तरकीब आई है। क्या? हमें कुश्ती शुरू होने से पहले स्टेडियम पहुंच जाना चाहिए। वहां ब्लैक शैडो को उसके ड्रेसिंग रूम में नॉकआउट करके मैं उसके कपड़े पहन लूंगा। और फिर कहां जाएगा बच के और जासूस का बच्चा? जल्दी चलो अमर, लाओ वो फॉर्मूला। थैंक यू प्रोफेसर। ठहरिए बॉस, यह असली फार्मूला नहीं, असली फार्मूला मैं बताता हूं। ये नहीं, Thank you.
इसके कपड़े पहन लो। तुम लोग स्टेडियम में जाकर बैठो, मैं कपड़े बदल कर अभी आता हूँ। ठीक है, चल। Thank you.
राउंड में अगर तुम नॉकआउट नहीं हुए तो तुम्हारी जरा अपनी दाईं तरफ देख लो। Thank you.
निकल गया। मीना तुम जाके पुलिस को खबर करो, अमर आते ही हम इसका पीछा करते हैं। जाओ। जल्दी करो अमर। मालती कहाँ है? वो पुलिस को लेने गई है। प्लेन को वापस घुमाओ। स्विच कौन सा है? वो हेलो हेलो एयरपोर्ट हेलो हेलो
पायलट जहाज वापस घुमाओ। प्लेन वापस घुमाओ।